जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है बगलामुखी स्पेशल सेक्रेट चैनल में। मैं माँ बगलामुखी साधक रविंद्र आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ माँ बगलामुखी देवी के संबंध में विशेष जानकारी को लेकर। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी देवी की सिद्धि, माँ बगलामुखी देवी की कृपा हर किसी को प्राप्त क्यों नहीं होती है। अनेक माँ बगलामुखी देवी के भक्तजन माँ बगलामुखी देवी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए 3 माह, 6 माह, 1 साल, कोई 10 साल और कोई 5 साल से माँ बगलामुखी देवी की आराधना कर रहा है, लेकिन उसे माँ बगलामुखी देवी की ना अब तक सिद्धि प्राप्त हुई है, ना ही माँ बगलामुखी देवी की कृपा से उनके जीवन में वो जो चाहते थे वो हो पाया है। इसका मूल कारण क्या हो सकता है? तो भक्तजनों, आप सभी इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि माँ बगलामुखी देवी का ऐसा कोई भक्त, ऐसा कोई साधक होगा ही नहीं कि जिसने माँ बगलामुखी देवी की पूजा अर्चना की हो, भक्ति की हो, साधना की हो और उसे फल ना मिला हो। उसे किसी न किसी प्रकार का फल अवश्य प्राप्त हुआ है, किसी न किसी प्रकार से उस पर माँ भगवती बगलामुखी देवी की कृपा अवश्य ही हुई। ये उसके पूर्व जन्मों पे निर्धारित करता है कि उसे माँ बगलामुखी देवी की सिद्धि जल्दी प्राप्त क्यों नहीं हुई। तो भक्तजनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र महाविद्या की सिद्धि अर्थात उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी देवी का निरंतर जाप करना बहुत जरूरी है, लेकिन माँ बगलामुखी की साधना, पूजा और आराधना करने से पहले शास्त्रों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि माँ बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र महाविद्या की साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह हमारी पूजा अर्चना सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य में परिवर्तनशील हो सकती है। तो भक्तजनों, माँ बगलामुखी देवी की अगर आप साधना करना चाहते हो, माँ बगलामुखी देवी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, माँ बगलामुखी देवी को प्रसन्न करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप आपके गुरु का चयन करें, आपके सद्गुरु का चयन करें। क्या हमारे सद्गुरु, क्या हमारे गुरु उस तत्व तक पहुंच पाए हैं जिस तत्व तक माँ बगलामुखी सद्गुरु को पहुंचना चाहिए? क्या हमारे गुरु का आज्ञा छत्र खुल चुका है? क्या हमारे गुरु की दिव्य दृष्टि खुली है? क्या हमारे गुरु हमारे भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं? क्या हमारे गुरु की शरण में आने वाले सैकड़ों लोगों को आराम मिला है? क्या हमारे गुरु की कृपा से कई भक्तों का कल्याण हुआ? ऐसी संपूर्ण प्रकार की जानकारी आप आपके गुरु के संबंध में प्राप्त कीजिए। अगर आपके गुरु आत्मज्ञानी हो चुके हैं, उन्होंने ईश्वर की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त की है, तो आपको बिल्कुल ही माँ बगलामुखी देवी की सिद्धि, माँ बगलामुखी देवी की कृपा प्राप्त करने में आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। ये भक्तजनों, अगर आपको माँ बगलामुखी देवी के दिव्य दृष्टि प्राप्त, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, सद्गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं अब तक और आप चाहते हो कि माँ बगलामुखी देवी की आपको सिद्धि प्राप्त हो, माँ बगलामुखी देवी की कृपा प्राप्त हो, आपके जीवन में आए हुए सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिले, तो आप माँ बगलामुखी देवी सिद्ध शक्ति पीठ जिला सिवनी आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी देवी का गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र देने मात्र से ही माँ बगलामुखी देवी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। माँ बगलामुखी देवी की संपूर्ण साधना विधि भी हमें प्राप्त होना चाहिए। माँ बगलामुखी साधना के दौरान जो हमें सावधानी रखना चाहिए वो भी हमें ज्ञात होना चाहिए। माँ बगलामुखी देवी की पूजा आराधना कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, माँ बगलामुखी देवी की साधना का दिव्य मंत्र कौन सा है, माँ बगलामुखी देवी की क्रम दीक्षा भी आपको प्राप्त होना चाहिए, तभी आपको माँ बगलामुखी देवी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो पाएंगी। और अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है, समस्या है, तो आप वीडियो पे कमेंट्स करके जरूर बताइए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल, जय माता दी।